चलिए अभी बढ़ते एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और आज के इस वीडियो के अंदर हम जो मैं आपको 10 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं अगर वाकई आप सीरियस हैं अबाउट दी यूट्यूब चैनल क्रिएशन। एंड यूट्यूब चैनल क्रिएट करना नहीं, उसको सक्सेसफुली आगे बढ़ाना और उसपे व्यूज और उसको मोनेटाइज करके वॉच टाइम इंक्रीज करके उसको जो है एज अ बिजनेस कन्वर्ट करना चाहते हो तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 स्टेप्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नए यूट्यूबर हो और चैनल खोल चुके हो तो भी ये आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी इसमें बढ़ते हैं और मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसे स्टेप्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। पहला, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है उसको हम लोग कहते हैं निश सिलेक्शन। निश सिलेक्शन जो है एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसमें आप किस टॉपिक के ऊपर में, यानी कि कौन सा ऐसा डोमेन है जिसपे आप ये पूरे YouTube के ऊपर में जो भी वीडियोस डालोगे वो आपके यहां पर पब्लिश करोगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए, से फॉर एग्जांपल मैं यहां पर डिजिटल मार्केटिंग के, तो YouTube जो है अब ये आपका एक डिजिटल मार्केटिंग का डोमेन ही है तो मैंने इसको इसमें इंक्लूड कर लिया। अब इसके ऊपर में मैं इसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस पब्लिश करता हूं। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है टेक गुरु मंजीत, वहां पे कोर आईटी के वीडियो रिलेटेड वीडियोस मैं डालता हूं तो वो मेरी एक निश है और मैं वहां पर उसी हिसाब से वीडियोस पब्लिश करता हूं। तो पहला जो स्टेप आपका है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि आपका निश सिलेक्शन जो है वो बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। सेकंड स्टेप जो है वो है आपका चैनल क्रिएशन, राइट। अगर आपने निश सेलेक्ट कर ली तो उसके बाद में जो है आपको चैनल को क्रिएट करना है। अब चैनल कैसे क्रिएट करना है या निश कैसे सेलेक्ट करनी है जो भी स्टेप्स बताऊंगा, डोंट वरी, आने वाले वीडियोस के अंदर सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा तो इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस उसको फोकस करो कि क्या हम कवरअप कर रहे हैं। तो चैनल को क्रिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और चैनल क्रिएट करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा तामझाम की जरूरत नहीं होती है। बस आपके पास में दो चीजें होनी चाहिए। पहला चीज, आपके पास में एक जीमेल आईडी होनी चाहिए और दूसरा चीज जो है आपके पास में एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ताकि आप जो है YouTube चैनल क्रिएट कर सके। आई एम श्योर ये सभी के पास में है। तीसरा जो स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड द ब्रांडिंग, राइट। कोई भी YouTube चैनल स्टार्ट करने से पहले अगर हम उसको एज अ ब्रांड क्रिएट करके आगे बढ़ेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब ब्रांडिंग के लिए का आपको कोई बहुत ज्यादा बड़ा तामझाम नहीं करना है। एज आई सेड, आपको जो है बेसिकली सिंपल एक तो लोगो आपके उस निश के अकॉर्डिंग आपको एक लोगो चाहिए उस चैनल के लिए और दूसरा जो चीज आपको रिक्वायरमेंट है दैट इज योर चैनल आर्ट, राइट। चैनल आर्ट ये आपके लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपको आनी चाहिए और अगर आप ये रेडी हैं, ये क्रिएट कर लेते हैं तो आपका चैनल ऑल सेट फॉर दी वीडियो पब्लिशिंग। अब चैनल तो सेट हो गया तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ में जो कि है फोर्थ, और अब बात करते हैं इक्विपमेंट्स की। अब चैनल तो क्रिएट कर लिया, अब वीडियो क्रिएट करनी है, वीडियो पब्लिश करनी है तो उसके लिए आपके पास में कुछ इक्विपमेंट्स होने चाहिए। तो इक्विपमेंट्स में सबसे पहले आपके पास में एक स्टैंड होना चाहिए या मल्टीपल स्टैंड होने चाहिए, मैं ज्यादा नहीं, एक स्टैंड तो आपके पास मिनिमम होना चाहिए जिसपे आप जो है अपने मोबाइल को या जो भी आपका कैमरा है उसको लगाकर आप शूट कर सकें। दूसरा, आपके पास में आप मोबाइल से भी शूटिंग कर सकते हो। आज की डेट में मोबाइल के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे कैमराज आ रहे हैं, आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर थोड़ा बजट है तो आप जो है अपने DSLR कैमराज जो है वो खरीद सकते हैं। लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, अगर आप फेस वीडियोस बना रहे हैं जैसे मैं अभी बना रहा हूं तो लाइटिंग्स जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। लाइटिंग्स प्रॉपर इन द सेंस कि जहां पे बिल्कुल डार्कनेस ना हो, आपको विजिबल हो, राइट। उसमें जब जो भी आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही हो वो बहुत ज्यादा हेजी ना हो, तो इसलिए जो है आपके पास में ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। इक्विपमेंट के अंदर बहुत ज्यादा खर्चा करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना सा काम कर लेंगे तो भी आप जो है बिल्कुल परफेक्टली पूरा जो है कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये इक्विपमेंट की आपकी जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है। फिर इसके बाद में हम पांचवा जो है दैट इज, अब इक्विपमेंट भी आ गया, नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट अ वीडियो। अब पहला वीडियो जो है वो आपका, क्योंकि चैनल का पहला वीडियो है और आई एम श्योर आप लोग जानते होंगे द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो आपका चैनल का पहला वीडियो पे थोड़ा सा दम लगा देना, थोड़ा सा टाइम लेना, जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि जल्दबाजी करोगे तो क्या होगा कि फिर आप कॉन्टेंट अच्छा नहीं क्रिएट करोगे। इसलिए पहले पे जो भी आपका
चैनल है उस चैनल के ऊपर में आप क्या करने वाले हो, बस इतना सा टॉपिक के ऊपर में वीडियो बनाओ, थोड़ा सा टाइम लो, एक स्क्रिप्ट बनाओ और उसके ऊपर में जो है फिर बाद में करो। अदरवाइज अगर पहली वीडियो को छोड़ के बाकी जो वीडियोस हैं उनके लिए आपको जो है यहाँ पे पांचवें स्टेप पे बोलूंगा आपको टॉपिक रिसर्च, यानी कि जो भी आपकी निश है उससे रिलेटेड आप क्या टॉपिक के ऊपर में वीडियो बनाने वाले हो। जैसे कि अभी मेरा ये टॉपिक है 10 स्टेप्स टू YouTube बिफोर YouTube चैनल, राइट। तो अगर आप जो है इस तरह का टॉपिक रिसर्च करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि आप एक प्रॉपर अच्छे से कंटेंट बना पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ स्टेप की तरफ में, विच इज कॉल्ड द ऑप्टिमाइजेशन। जब वीडियो हमने बना लिया, उसको एडिट कर लिया, एडिट करने के लिए आपके पास में एक लैपटॉप होना चाहिए, अब बात आती है उसको ऑप्टिमाइज करने की। ऑप्टिमाइज यानी कि उसका टाइटल कैसा होना चाहिए, उसका जो है आपका व्हाट डू यू कॉल दी डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, उसके टैग्स कौन से होने चाहिए, ताकि आपको जो है प्रॉपर उसकी रीच जो है ऑडियंस की वहां तक पहुंच पाए। तो ये जो है आपका स्टेप है। हालांकि ये स्टेप्स अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि इनके ऊपर पूरा डिटेल के अंदर जो है हम काम करेंगे, प्रैक्टिकल आपको दिखाने वाला हूं, सो डोंट वरी। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे सेवंथ स्टेप की ओर, विच इज कॉल्ड दी कंटेंट शेड्यूल टाइम। कंटेंट शेड्यूल टाइम कह लो या कंटेंट रिलीज टाइम कह दो, इसका कोई डिफरेंस नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि आप जो है अगर अपने चैनल के ऊपर में एक फिक्स टाइम फ्रेम के बाद में अगर आप वीडियो डाल रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप डेली वीडियो डालो, जरूरी नहीं कि आप जो है हर दूसरे दिन के बाद एवरी अल्टरनेट डे वीडियो डालो, तो आपका जो भी शेड्यूल है आप जितने वीडियोस एक हफ्ते के अंदर दे सकते हो उतने ही आप जो है यहां पे एक फिक्स कर दो कि हाँ मुझे मंडे को वीडियो डालना है, मुझे फ्राइडे को वीडियो डालना है, जो भी आपके डेज है, यानी कि वो डे और टाइम डिसाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर डे एंड टाइम अगर आप परफेक्ट एक फिक्स रखोगे तो उससे क्या होगा कि आपके जो ऑडियंस है, जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं या सिर्फ व्यूअर्स हैं, उनको पता है कि आपके चैनल पे इस टाइम पे इस दिन जो है वो वीडियो आती है, तो डेफिनेटली उस वक्त आपका जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, बिकॉज वो पहले से वेट कर रहे होंगे आपके कंटेंट का। लेकिन कंटेंट में उतना दम भी होना चाहिए ताकि वो आपका वेट भी करें। तो ये आपके लिए जो है शेड्यूलिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर बढ़ते हैं एट्थ होता है, दैट इज कॉल्ड द रिसर्च। अब रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं कि हम चैनल क्रिएट कर ले अब उस पर फोकस करते रहो। रिसर्च इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट रिसर्च करना क्या है, रिसर्च अबाउट द कंपटीटर्स। आप जिस निश में हो, आपके डेफिनेटली आप अकेले नहीं हो उस निश में काम कर रहे, बहुत सारे अदर यूट्यूबर्स होंगे जो उस पर्टिकुलर निश के अंदर काम कर रहे हैं, राइट। यू हैव टू एनालाइज कि वो लोग क्या ऐसा कर रहे हैं, उनका कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर में उनको ज्यादा रीच मिल रही है, राइट। तो इसके ऊपर में आपको कुछ टूल्स की इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी, और टूल्स में जाए मैं आपको बताऊंगा, जैसे ट्यूबडी वगैरह हो गया, राइट, vidIQ वगैरह हो गया। तो ऐसे इन टूल्स का रिसर्च करके फ्री में भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर पेड पे जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें ज्यादा इनपुट्स आपको मिल पाएंगे, फ्री में इतने इनपुट्स वगैरह आपको नहीं मिल पाएंगे। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे टूल्स बताऊंगा जहां पे आप फ्री में भी नो प्रॉब्लम आप आसानी से ये रिसर्च अपने कंपटीटर की कर सकते हो। इसलिए रिसर्च करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, विच इज कॉल्ड दी नाइन्थ जो स्टेप है, दैट इज दी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी कि अब वीडियो डिसाइड तो कर लिया कि मेरा मंडे और फ्राइडे आना है, लेकिन मंडे और फ्राइडे जो है आपने डिसाइड कर लिया तो मेक श्योर करना है कि कम व्हाट में आप कहीं पर भी हो, आपको उस डे के अंदर उस टाइम के दौरान आपको वीडियो को पब्लिश करना ही है। अगर आप ऐसा नहीं करते फेल हो जाते, मतलब आपने कंटिन्यू नहीं वीडियोस दिए और बोलते जा रहे हो कि मैं दूंगा दूंगा लेकिन नहीं दे रहे हो या आगे पीछे हो जाते हो, तो डेफिनेटली वहां पर आपकी जो रीच है वो खत्म होती जाती है। कंसिस्टेंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड कंसिस्टेंसी आपके YouTube के एल्गोरिदम को जो है बहुत इफेक्ट करती है। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो आपकी जो रीच और आपका जो फैन फॉलोइंग बेस है वो जल्दी फास्ट जो है वो ग्रो करेगा, और आपका वॉच टाइम भी इंक्रीज होगा, आपका जो है व्यूअरशिप भी इंक्रीज होगी, और डेफिनेटली अगर ये होगा तो आपका जो है चैनल मोनेटाइज भी जल्दी होगा, और चैनल मोनेटाइज होगा तो फिर आप श्योर आपको पता ही क्या होगा, अर्निंग स्टार्ट होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट स्टेप की तरफ, विच इज कॉल्ड दी रिलेवेंसी। अब रिलेवेंसी इज अगेन इंपॉर्टेंट।
कई बार होता है कि हम लोग चैनल स्टार्ट कर देते हैं विद सम डिफरेंट निश, लेकिन बाद में क्या पता चलता है, नहीं यार मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा। अब आपको मजा नहीं आ रहा, आपने 10-15 वीडियो डाल दिए, जो आपका सब्सक्राइबर आए, मान लीजिए 200-300 सब्सक्राइबर्स आपको 10-12-15 वीडियो में आ चुके हैं, अब आपका क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं है राइट, तो आप क्या चाहते हो कि नहीं अब मैं इस चैनल के ऊपर में जो है, से फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग के, नहीं अब मैं इसके ऊपर में आईटी के वीडियोज डालूंगा या किसी और प्रोग्रामिंग के वीडियोज डालूंगा, क्योंकि आपको उसमें ज्यादा एक्सपोजर है। तो ये जो है एक बहुत ही गलत स्टेप हो जाता है। तो ऐसे में जो आपके अब तक सब्सक्राइबर बने हैं, बिकॉज दे हैव सब्सक्राइब्ड योर चैनल, बिकॉज दे लाइक योर कंटेंट, व्हाटएवर यू आर पब्लिशिंग, तो आप अगर टॉपिक चेंज कर दोगे, रिलेवेंसी खत्म कर दोगे, तो ऐसे में आपके जो सब्सक्राइबर्स जिन्होंने सब्सक्राइब करा है, तो वो देखना बंद कर देंगे, वो डेड हो जाएंगे या फिर अनफॉलो कर देंगे, अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो ये जो है एक बहुत ही गलत स्टेप होगा। इसलिए जो भी आप निश को सेलेक्ट करें एट दी स्टार्टिंग, वो आपको आगे कैरी ऑन करना है, उसी से रिलेवेंट ही आपको वीडियोज जो है वो पब्लिश करने हैं, तभी आप जो है ये ग्रो कर पाएंगे इसमें, अदरवाइज जो है आप नहीं ग्रो कर पाएंगे। सो गाइस, आई होप कि ये जो 10 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, ये वाकई आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल होंगे, और आने वाले वीडियोस के अंदर जो है डेफिनेटली आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स जो है, सारे के सारे 10 जो आपको स्टेप्स बताए, इनके ऊपर मैं बहुत ही डिटेल के अंदर इन डेप्थ जो है मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियोस बना के देने वाला हूं, सो दैट कि आपका जो YouTube करियर है वो बाकी बहुत ही सक्सेसफुल रहे, और आप जो है डेफिनेटली YouTube को एज अ करियर ले सकते हैं, बिकॉज आगे चल के वही YouTube चैनल आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस की शुरुआत कर देगा। इसलिए आपको जो है रिसर्च कैसे करनी चाहिए, कौन सा निश सेलेक्ट करना चाहिए वो, ताकि वो आगे चल के बिजनेस बन सके, ये आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए कवर करने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इससे रिलेटेड और वीडियोस आपको मिलते रहे, और डिजिटल मार्केटिंग में आप भी अपने करियर को आगे बढ़ाएं, और यूट्यूब के अंदर भी आप अपने करियर को आगे बढ़ाएं। फिर मिलता हूं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।